In today's video, I'm going to draw one of my favorite demons from Demon Slayer. Akaza. मैं इस ड्राइंग के लिए 230 GSM का AC साइज का पेपर यूज करूंगा। वैसे मैंने इससे पहले भी बहुत बार फोटोशूट को ड्राइंग करा है, पर AC साइज के पेपर में ये मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग है। सो लेट्स डू इट। और मैं हमेशा से फ्रीहैंड मेथड से ड्राइंग करता हूँ गाइस, क्योंकि ब्लेंड मेथड से ड्राइंग करने पे कोई भी फायदा नहीं है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फ्रीहैंड मेथड से ही ड्रॉ करो, इससे आपका स्किल बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। और अभी इसके आंखों की बारी गाइस। तो पिछले 2 घंटे से ड्राइंग करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड नाउ टाइम टू आउटलाइन। मैं आउटलाइन के लिए पिगमेंट का लाइनर यूज करूंगा। Finally, outline पूरा होने के बाद time to coloring। और coloring के लिए मैं Ohuhu alcohol marker use कर रहा हूँ, but इस marker के set में बहुत बड़ी एक problem है, जो कि है इसके skin tones marker। इसके skin tones marker पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, और इसलिए मैंने Amazon से एक नया alcohol marker का set order कर दिया है, जो कि Ohuhu का ही है, पर ये सिर्फ skin tones marker है, और इसमें 36 total shades है। Now it's time to coloring। पहले मैं डार्क कलर से शेडोज को कलर करूंगा और उसके बाद लाइट कलर से उसको सेम। इसके ड्रेस को कलर करने के लिए भी मैंने सेम मेथड यूज किया है। पहले ब्राउन कलर से डार्क एरिया को कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद ब्लू कलर से मैं इसके लाइट एरिया को कवर करूंगा। पूरा कलर खत्म होने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा कलर पेंसिल यूज करूंगा फॉर सम रियलिस्टिक डिटेल्स।
he's gone, we've only begun. That's the best part. और फिर लास्ट में व्हाइट जेल पेन से थोड़ा बहुत डिटेलिंग देने के बाद मेरा ड्राइंग एकदम रेडी है. एंड नाउ एंजॉय द फाइनल रिजल्ट. और कमेंट में जरूर बताना गाइस कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा.